नौशेरा इलाके में पाकिस्तान की फायरिंग में 40 स्कूली बच्चे फंस गए हैं। नौशेरा के झांगर इलाके में एक स्कूल में 40 स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग की वजह से ये बच्चे फंस गए हैं। दोपहर 1:50 पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई थी, जिसकी वजह से 40 स्कूली बच्चे फंस गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के नौशेरा इलाके में पाकिस्तान की फायरिंग में 40 स्कूली बच्चे फंस गए हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू केनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, क्या है ताजा जानकारी, डिटेल में बताएं। पाकिस्तान की तरफ से आज दोपहर जो है लगभग 1:50 के ऊपर जो है सीज फायर वायलेशन किया गया नौशेरा सेक्टर में, और एकदम से जो है वहाँ पे मोर्टार और हैवी शेलिंग जो है शुरू कर दी गई। उस समय चूंकि स्कूल जो है उस समय अभी जारी थे उस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, तो दो स्कूलों में बच्चे जो थे वो जो है उस समय रुक गए। एक कडाली स्कूल था जिसमें प्रशासन ने, जैसे पता चला तो प्रशासन ने 12 बच्चे उसमें ट्रैप हुए थे वो निकाल दिए गए, क्योंकि ये जो इलाका जो शेर का इलाका है, शेर हाई स्कूल है और ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, तो प्रशासन ने बच्चों की कोई सेफ्टी को देखते हुए बच्चे को जो है वहां से अभी तक नहीं निकाला है, क्योंकि उस इलाके में फायरिंग चल रही है और 40 से ज्यादा बच्चे बताया जा रहा है कि उस इलाके में जो स्कूल हाई स्कूल है उसी में अभी तक ट्रैप हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश जो है जिला प्रशासन जो है वो कर रहा है, लेकिन अभी तक उनको रेस्क्यू वहां से नहीं किया जा सका, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी उस इलाके में काफी तेज है। राजू, 12 बच्चों को जैसा कि आपने बताया कि निकाला गया है, लेकिन बाकी बच्चे अभी भी स्कूल के अंदर हैं। जी, ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कई गांव हैं, कई स्कूल हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से जो है ये पूरा, चूंकि इलाका जब फायरिंग से अफेक्टेड होता है तो कई स्कूलों से जो है जो पीछे स्कूल थे थोड़ी सी डिस्टेंस पे थे वहां से बच्चे जो है वो निकल गए थे, और ये जो कडाली स्कूल है इसमें से बच्चे जो थे इनको जो है प्रशासन ने जो है रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन ये शेर, ये जो शेर का इलाका है ये बिल्कुल फॉरवर्ड जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल आगे है, फेंसिंग से भी आगे है, हाई स्कूल है यहाँ पे, और पाकिस्तान ने जब इस तरफ इस स्कूल के ऊपर जो है फायरिंग जब की, यहाँ पे जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनको भी फायरिंग की, सिविल पॉपुलेशन पे फायरिंग की, तो उस समय जो है बच्चों की जो सेफ्टी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों को वहीं पे जो रख लिया, और सेना ने भी बच्चों को बाहर निकलने से वहां से रोक दिया। जैसे ही बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम होता है या किसी भी तरीके से जैसे फायरिंग कम होगी तो बच्चों को वहां से पहले जो है निकालने। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज अपनी नजर बनाए रखेगा।